हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमेशा मैं आपके सामने जॉब न्यूज लाता रहता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो भी लाता रहता हूँ, बहुत सारी जानकारी लाता रहता हूँ। उद्देश्य एक ही है कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, उसे ज्वाइनिंग मिल जाए, जो उसने मेहनत की है वो सफल हो जाए। आज का वीडियो है कुछ एलिगेशन जो लगातार मेरे वीडियो पर कुछ लोगों द्वारा लगाई जाती हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि मैं हर एक इंसान से जाकर ये कहता हूँ कि चिंता ना करें, आपको जॉब मिल जाएगी। तो वो जॉब कैसे मिलेगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है। जिसके नंबर कम आते हैं मैं हमेशा उससे कह देता हूँ कि आपके नंबर बढ़ने की चांसेस हैं। आप एससी से हो, आप गेस्ट टीचर हो, आपको महिला का रिजर्वेशन है, पूरे चांसेस हैं कि आपको ये जॉब मिल जाए। और मैं हमेशा ये क्यों कहता हूँ कि वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन लास्ट जॉब नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी जॉब निकलती रहती हैं। नवोदय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की, ये एलिगेशन कुछ लोगों द्वारा दो तीन दिनों में मेरे कुछ वीडियो पर लगाए गए हैं। और मैंने सोचा कि मेरी जो प्यारी फैमिली है, यूट्यूब परिवार है, उसके सामने मैं एक वीडियो लाऊं जिसमें ये सब क्लियर करूं और आप डिसाइड करें कि मैं कहां तक सही हूं और कहां तक गलत हूं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई कंपटीशन निकलता है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जो पोस्टें होती हैं वो हजारों में होती हैं और जो कैंडिडेट होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। हम बात करें एक एग्जांपल के रूप में, 5000 वैकेंसी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती हैं और उस पर फॉर्म फिल होते हैं 5 लाख। यहाँ पर सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि 5000 फॉर्म फिल हुए हैं तो डेफिनेटली 5000 ही लोग उसमें लगेंगे। बाकी के 4,95,000 लोग तभी फेल हो गए जब उन्होंने फॉर्म फिल किया। ये सच्चाई है, रियलिटी है। यानी 4,95,000 लोगों के लिए सच्चाई या रियलिटी क्या है कि उन्हें ये जॉब नहीं मिलेगी, वो असफल होंगे, ये 100% ट्रू है। वहां पर 5000 लोगों के लिए सच्चाई क्या है कि वो सफल होंगे, उन्हें ये जॉब मिलेगी और ये भी 100% ट्रू है। यानी 5 लाख में से 5000 लोगों को जॉब मिलेगी, जो 100% ट्रू है, और 4,95,000 लोगों को जॉब नहीं मिलनी, ये भी अपने आप में 100% ट्रू है। अब मैं आपको कहाँ ले जाता हूँ, उन लोगों के उदाहरण में ले जाता हूँ, उन लोगों के एग्जाम्पल में ले जाता हूँ जो कि 4,95,000 जो कि असफल होने वाले हैं, वो भी एक सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। या मैं आपको उन लोगों का उदाहरण देता हूँ, उन लोगों का उन तरफ से हौसला बढ़ाता हूँ जो कि 5000 लोग हैं जो इसमें सफल होंगे और ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है, 5000 लोगों को जॉब मिलनी है। यहाँ पर मेरा काम रहता है कि आपको इतना मोटिवेटेड कर दूँ, आपके पास इतनी अच्छी गाइडेंस लाऊँ, आपके पास इतने अच्छे से नियम समझा पाऊँ कि आप उन 5000 लोगों में शामिल हो सको जो ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, और उसी का आधार बनाकर मैं कहता हूँ कि चिंता ना करें, आपको जॉब मिलेगा, ये अपने आप में सच्चाई है। लेकिन जो कहते हैं कि जॉब नहीं मिलेगा, वो उन 4,95,000 लोगों की बात करते हैं जिन्हें वास्तव में जॉब नहीं मिलनी, सच्चाई है ये अपने आप में। 4,95,000 लोगों की सोच की बात करें, उनके अंदर क्या चलता है और क्या सोच के चलते वो जॉब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ध्यान देना इस बात पर। उनके मन में चलता है कि जॉब वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म ज़्यादा फिल हुए, सच है अपने आप में, इसमें रिजर्वेशन ज़्यादा है, ठीक है, पोस्टें घट जाती हैं रिजर्वेशन से, और इसके साथ साथ हमारी वो क्षमता नहीं है, हम में वो टैलेंट नहीं है कि इतने बड़े कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करके एग्जाम को क्लियर कर सकें। इसको आप सच्चाई मान के चल रहे हो तो डेफिनेटली ये आपकी सच्चाई बन जाएगी। आप अपनी सच्चाई कौन सी बनाना चाहते हो, उन 5000 लोगों की जैसी, उनकी सोच क्या होती है, उनकी सोच होती है 5000 लोगों की कि डेफिनेटली हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो इसका सिलेबस है अच्छे से उसे कंप्लीट करेंगे, इसका जो सिलेबस है वो हमारा बहुत हद तक कंप्लीट है और हम मेहनत करेंगे और अपना पूरा 100% देंगे और ये जॉब हमें ज़रूर मिलेगी। उनकी रियलिटी अलग होती है 5000 लोगों की, और 4,95,000 जो लोग हैं जो सोचते हैं उनकी रियलिटी अलग होती है। आप अपनी रियलिटी क्या बनाना चाहते हैं, उन 4,95,000 जैसे डेफिनेटली बना सकते हैं, या उन 5000 लोगों जैसी जो कि उस जॉब को प्राप्त करेंगे और ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक और उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ, एक टीचर होता है क्लास में,
एक योग्य टीचर होता है क्लास में और वो सबको एक जैसा ही पढ़ाता है और सबसे कहता है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तुम 90% से ऊपर नंबर लाओगे। एक बच्चा उसको सच मान लेता है, उसको अपनी रियलिटी बना देता है। वो कहता है कि मेरी मैम जो पढ़ा रही हैं और जो वो बता रही हैं वो सच है और मैं 90% से ऊपर ला सकता हूँ, मेरी मेहनत है। वो उसको रियलिटी बना देता है। अभी तक वो रियलिटी थी नहीं जब मैडम ने कहा, लेकिन उन्होंने अपनी रियलिटी बना दिया उसको और 90% ले आया उसी क्लास में। उसी क्लास में एक बच्चा फेल भी हो जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि मैडम जो कह रही हैं कि 90% लाना असंभव है, ये संभव है ही नहीं और मेरी पढ़ाई उस हिसाब से भी नहीं है और मैडम जो समझाती हैं वो मुझे समझ में भी नहीं आता। तो उसने अपनी रियलिटी क्या बना ली, फेल होने की तरफ। आपके सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो उस भीड़ में शामिल हो जाओ जहाँ 4,95,000 लोग बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन ज़्यादा है, पोस्टर कम है, ऊँट के मुंह में जीरा है, इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा और एग्जाम भी टफ आएगा, पूरा आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो 4,95,000 हैं। वहीं उन तरफ भी आप जा सकते हो, वो रास्ता भी पकड़ सकते हो जो 5,000 लोग पकड़ेंगे। हमें अच्छे से तैयारी करनी है, जो भी सिलेबस है उसे हमें कंप्लीट करना है, हमें अपना 100% देना है, हमें प्रसन्न रहना है, हमें शांत रहना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और जॉब प्राप्त करना है। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि आपको जॉब मिलेगी, वर्ग 1 में मिलेगी, वर्ग 2 में मिलेगी, वर्ग 3 में मिल सकती है। इन तीनों में भी यदि कुछ नहीं हुआ तो हमारा केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, इनमें हो जाएगा। और इसके अलावा भी विभिन्न कॉम्पिटिशन और निकलते हैं विभिन्न जॉबों में, यानी कि विभिन्न फील्ड में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। आप अपनी रियलिटी क्या बनाना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरे इस परिवार के किसी सदस्य की जॉब नहीं लगेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आपके कितने भी नंबर आए हों, आपको होप नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, 100% आपको मिलेगी मिलेगी। क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है सच्चाई के साथ आपको एक ज्वाइनिंग दिलाना और मैं सच्चाई वो पकड़ता हूँ जो कि फायदेमंद हो, यानी कि मैं सच्चाई वो पकड़ता हूँ उन 5,000 लोगों की जिन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। मैं वो सच्चाई कभी नहीं पकड़ता हूँ जो 4,95,000 हैं जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको उन 5,000 लोगों में शामिल करके रहूँगा, ये मेरा विश्वास है खुद पर और मेरे भगवान पर। तो अब आप डिसाइड करें कि जो मैं रिप्लाई देता हूँ, जो मैं बात कहता हूँ वो सही है कि नहीं है। ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने इसे इतना समय दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।